नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डॉट कॉम यूट्यूब चैनल ओनली राइट इन्फॉर्मेशन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET UG 2022 का ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्टिव हो चुका है और आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन कर पाएंगे 6 मई तक। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा आप लोग कैसे स्टेप बाई स्टेप CUET UG के लिए अप्लाई करेंगे। पहले तो यहाँ पे देखिए CUET की वेबसाइट में आके आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन थरोली रीड करना चाहिए और जो यूनिवर्सिटीज़ टैब है उसमें यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन यूनिवर्सिटीज़ है और कौन कौन यूनिवर्सिटी के अंदर आप कौन कौन कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारे आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो मैं ये सारे दिखा देता हूँ, आप लोग स्किप मत कीजिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो अगर काम में आ जाए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ऐसे ही अपडेट फ्यूचर में पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। देखिए पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसलिए रजिस्टर बटन जो है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद रिमेनिंग पार्ट फिलअप करने के लिए आपको साइन इन करना पड़ेगा। मैंने रजिस्टर जो टैब है उसमें क्लिक कर दिया। यहाँ पर देखिए स्लॉट 1 और स्लॉट 2 अपेयर होने के लिए जनरल के लिए 650 ईच यानी कि 1300 और OBC के लिए 600 ईच और SC ST के लिए 550 ईच, ये फ़ी आपको पे करना है। और NRI के लिए 3000 ईच ये फ़ी पेमेंट करना है। आप जैसे ही सब्जेक्ट चूज करेंगे स्लॉट 1 या स्लॉट 2 के लिए फीस ऐसे ही आपको लिए एप्लीकेबल होगा। क्लिक हैड टू प्रोसीड करना पड़ेगा आपको न्यू रजिस्टर करने के लिए। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके स्क्रीन में आ गया। पहले आपको कैंडिडेट नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारे आपको 10th सर्टिफिकेट वाइज लिखना है। गार्डियन नेम आप यहाँ पे लिख सकते हो, फादर्स नेम या कुछ होगा तो। कैंडिडेट डेट ऑफ बर्थ ये भी आपको 10th सर्टिफिकेट से कलेक्ट करना है या बर्थ सर्टिफिकेट से। जेंडर, नेशनलिटी, उसके बाद आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में कुछ ऑप्शन है जैसे पैन कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, इसमें से कुछ एक ऑप्शन चूज करने के बाद आपको आइडेंटिटी उसी ऑप्शन का नंबर लिखना है उसी आइडेंटिटी टाइप का। उसके बाद आपका प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पे सब लोकेलिटी में आप विलेज पोस्ट, लोकेलिटी में आपका पुलिस स्टेशन डाल देना। उसके बाद ड्रॉप डाउन से आपको कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपका पोस्टल कोड देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ये दोनों ज़रूरी है क्योंकि बाद में आपको ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों वेरीफाई करना है। मोबाइल या ईमेल वेरीफाई करने के बाद आप एप्लीकेशन को पूरा कर पाएंगे, इसलिए एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव मोबाइल ईमेल आईडी आपको यूज करना है। परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप चेकबॉक्स में क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, अगर अलग है तो आप टाइप कर लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड पॉलिसी 8 to 13 करेक्टर होगा, इसमें एक अपर करेक्टर होगा, एक लोअर करेक्टर होगा, एक नंबर होगा और एक स्पेशल करेक्टर होगा, जैसे कि test@123 यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। मिनिमम 8 करेक्टर का होगा, मैक्सिमम 13 करेक्टर का होगा। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है और उसका आंसर लिखना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब आप पासवर्ड भूल जाओगे पासवर्ड रीसेट करने के लिए ये आपका काम में आएगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी पिन लिखना है, सिक्योरिटी पिन लिख के रजिस्ट्रेशन स्टेप को कंप्लीट करना है। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मैं लिख देता हूँ। सिक्योरिटी पिन देने के बाद आपको रजिस्टर सबमिट बटन में क्लिक करना है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपको एक प्रीव्यू पेज शो करेगा, इसमें आपको सारे डिटेल जो आप इसी पेज में भरे हो वेरीफाई करना है। उसके बाद सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक OTP आएगा, यहाँ पे आपको OTP लिखना है और उसके बाद सिक्योरिटी पिन दे के सबमिट करना है। मैं मोबाइल नंबर से OTP यहाँ पे लिख देता हूँ, 6 डिजिट का OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे। उसके बाद सिक्योरिटी पिन जैसे लिखा हुआ है एग्जैक्ट आपको यहाँ पर टाइप करना है। सिक्योरिटी पिन मैं लिख देता हूँ। लिखने के बाद देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी पिन मैच नहीं हो रहा है इसलिए लेट आ रहा है बॉक्स। जैसे ही आप ठीक ठाक लिखोगे टिक मार्क आ जाएगा आपका, अभी भी ठीक नहीं हुआ। और यहाँ पे अभी ठीक हुआ, अभी सबमिट कर देता हूँ।
देखिए सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड हो गया, रजिस्टर्ड नंबर आपका आ गया, सब नॉट सबमिटेड दिखा रहा है। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्लिक करना है, फॉर्म का ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसको फिल करने के लिए। ये सारे आपके पहले आपको कैटेगरी देना है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, जनरल, EWS, OBC या ST/ST। उसके बाद हैंडीकैप हो कि नहीं, उसके बाद फादर्स क्वालिफिकेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, मदर्स क्वालिफिकेशन, मदर्स नेम तो हम लोग पहले रजिस्ट्रेशन पेज में दे दिया। उसके बाद मदर्स का क्वालिफिकेशन देना है, यहाँ पे मदर्स का नेम है, मदर्स क्वालिफिकेशन। उसके बाद मदर्स ऑक्यूपेशन यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। उसके बाद फैमिली एनुअल इनकम आपका कितना है, उसके बाद आर यू ट्विन हो कि नहीं, उसके बाद आप कौन से स्टेट से डोमिसाइल्ड हो, रहने वाले हो, प्लेस ऑफ रेसिडेंट, मोड ऑफ प्रिपरेशन और मीडियम ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आप क्लास 12 कौन से मीडियम से दे रहे हो, बांग्ला मीडियम या इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, कौन से मीडियम से दे रहे हो। यहाँ पे आपका जो एड्रेस आप रजिस्ट्रेशन पेज में डाले थे ये शो कर रहा है, अगर आप चाहे तो अभी भी इसको चेंज कर सकते हो। डू यू बिलोंग्स टू बिलो प्रॉपर्टी लाइन, BPL हो कि नहीं, उसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट हो कि नहीं, एक सर्विसमैन के बेटे हो कि नहीं, कि लड़की हो कि नहीं। उसके बाद वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई, यानी कि यूनिवर्सिटी की एम्प्लॉई की घर का कोई हो कि नहीं, ये आपको यस नो करना है। देखिए ये सारे पेज आपको सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज में जाना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे आपको 10 एंड 12 का रिजल्ट डिटेल डालना है। पहले आपका 10th का रिजल्ट डिटेल, 10th का बोर्ड का नेम, टाइप ऑफ स्कूल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम एंड एड्रेस, स्कूल पिन कोड और 10th का रोल नंबर, 10th का मार्क्स, ये सारे आपको आपके 10th से 10th का मार्कशीट या एडमिट कार्ड से आपको मिल जाएगा, आपको फिल करना है। यहाँ पे 10th रोल नंबर, रोल और नंबर अगर अलग से हैं आप कंबाइन करके एक साथ लिख दीजिए। रिजल्ट मोड में यहाँ पे परसेंटेज या CGPA आप कर सकते हो, परसेंटेज करोगे तो आपको मैक्सिमम या मार्क्स ऑफ 10 लिखना है। उसके बाद क्लास 12 का यहाँ पे डिटेल आपको भरना है, अगर आप इस साल के 12 कैंडिडेट हो तो अपेयरिंग करना, और अगर पास कर चुके हो तो पास करके आपको 10th के तरह सारे डिटेल यहाँ पे भरना है। अगर अपेयरिंग कैंडिडेट हो तो आपको मार्क्स डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। 12th का बोर्ड नेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद 12th का स्कूल नेम एंड एड्रेस, 12th का स्कूल का पिन कोड, आपका पिन कोड नहीं, स्कूल का पिन कोड यहाँ पे डालना है। स्कूल नेम एंड एड्रेस दे देता हूँ मैं, स्कूल का पिन कोड दे देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोल नंबर खाली आ रहा है, क्योंकि मैं अपियरिंग कैंडिडेट कर चुका हूँ इसलिए खाली रोल नंबर डाल के सेव करना है। अगर आप पास्ट करोगे तो आपको मार्क्स डिटेल भी भरना है। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नेम 1x1 आपको सिलेक्ट करना है, और अगर और आप कौन सा स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो एंट्रेंस के बाद, आपको यहाँ पे स्ट्रीम सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड करना है आपको यूनिवर्सिटी सेक्शन में, होम टैब में मैंने जब पहले दिखाया था उसमें क्लिक करके इसी यूनिवर्सिटी का इसी सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और आपको कौन कौन सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देना है ये आपको देख लेना है। अब ऐसे ही 1x1 यूनिवर्सिटी नेम और यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए कोर्स सिलेक्शन कर सकते हो, प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो, उसके बाद ऐड कर सकते हो। अब जितने भी चाहो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो और प्रोग्राम सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान में देना चाहिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट भी एग्ज़ाम के लिए चूज करना है, जो इसके बाद नेक्स्ट पेज में आएगा। मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज कर देता हूँ। अभी अपडेट करके आप एक्स्ट्रा यूनिवर्सिटी ऐड भी कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। ऐसे ही आप ऐड रिमूव कर सकते हो। उसके बाद मैं प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे एग्जाम डिटेल आ रहा है, पहले टेस्ट पेपर सिलेक्शन फॉर फर्स्ट स्लॉट और सेकंड स्लॉट।
आपको दोनों स्लॉट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो सेकेंड स्लॉट में आप सारे एग्ज़ाम दे सकते हो, या फर्स्ट स्लॉट में आपका जो आप जो कोर्स प्रोग्राम सिलेक्ट किए हो उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, जो जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग, उसी सब्जेक्ट अगर स्लॉट वन में सारे अवेलेबल है तो खाली स्लॉट वन आप दे सकते हो। अगर स्लॉट वन में सारे अवेलेबल नहीं है तो आपको स्लॉट वन और स्लॉट टू मिला के एग्ज़ाम देना है। अगर आप दोनों स्लॉट दोगे तो आपको दोबारा फीस पेमेंट करना है। ऐसे आप देख सकते हो कि अगर आप स्लॉट वन में आपके सारे सब्जेक्ट नहीं है लेकिन स्लॉट टू में सारे सब्जेक्ट है, तो आप स्लॉट वन को नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो और स्लॉट टू में आप सारे सब्जेक्ट आपका जो रिक्वायरमेंट है सिलेक्ट कर सकते हो। लैंग्वेज ग्रुप में आपको किसी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, और डोमेन सब्जेक्ट में आपका, अगर आप बीटेक के लिए एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देना है, लेकिन वो आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके या यूनिवर्सिटी के जो क्राइटेरियाज है उसमें जाके सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मीडियम आपका क्या होगा और आपका टेस्ट सेंटर क्या होगा, आपको वन बाई वन आपका जो बेस्ट चॉइस रहेगा सिलेक्ट करना है। नियरेस्ट सिटी आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे चारों सिटी प्रेफरेंस देना है, 1, 2, 3, 4, जो आपका घर का नज़दीक रहेगा आपको पहले देना है। नेक्स्ट स्टेप टू नेक्स्ट सिलेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में आपका अपलोडिंग सेक्शन आएगा, उसमें आपका कैंडिडेट का फोटोग्राफ, कैंडिडेट का सिग्नेचर और टेंथ का सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर कैंडिडेट कोई कैटेगरी से बिलोंग्स करता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, नहीं तो जनरल के लिए खाली फोटो सिग्नेचर एंड टेंथ का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारे कर देने के बाद आपको प्रीव्यू पेज शो करेगा, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन से अपलोड तक जितने भी सारे डिटेल भरे हो पूरा आपको शो करेगा। आपको वन बाई वन सारी डिटेल चेक करना है। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं या करेक्शन करना चाहते हो तो आप ही कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट में क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करना है। जैसे ही आप पेमेंट करोगे आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिल जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के लिए फॉर्म फिलअप करोगे। अगर वीडियो आपका काम में आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं ऐसे ही अपडेट फ्यूचर में पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए। अगर आपके मन में कई दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, मिलते हैं कई दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।